हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेशियोज क्या होते हैं और किस तरह से रेशियो एक कंपैरिजन क्वांटिटी है दो क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जनरली हम क्या करते हैं, जब आपको कोई भी दो क्वांटिटीज दिए होते हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए हम डिफरेंस का यूज करते हैं। डिफरेंस मतलब कि जैसे मैं ये एग्जाम्पल पढ़ू फर्स्ट वाला, दैट अग्नि कलेक्टेड 30 फ्लावर्स। ठीक है, एक लड़की है जिसके पास 30 फ्लावर्स उसने कलेक्ट किए हैं, और सेकेंड शाही हैज कलेक्टेड 45 फ्लावर्स, दूसरी लड़की के पास 45 फ्लावर्स हैं। तो आप इस तरह से कंपेयर करते हैं कि शाही जो है उसके पास 15 फ्लावर्स ज्यादा हैं अग्नि के कंपैरिजन में। तो ये भी एक कंपैरिजन है। आपने क्या किया है, दोनों को माइनस कर दिया है 45 और 30 को, तो 15 आया। दैट मीन्स 15 फ्लावर्स शारी के पास ज्यादा है अग्नि से। ठीक है, तो ये एक वे है कंपेयर करने का क्वांटिटीज को। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में बताया है हाइट ऑफ रहीम। कोई एक रहीम है जिसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर और अग्नि की हाइट है 140 सेंटीमीटर। अब आपको बोला जाए कि कंपेयर करिए उनकी हाइट्स को, तो आप ये मेथड यूज करेंगे कि उन दोनों की हाइट्स को माइनस कर देंगे, 10 आ जाएगा। दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर रहीम ज्यादा लंबा है अग्नि की कंपैरिजन में। यही बोलेंगे कि रहीम इज 10 सेंटीमीटर मोर देन अग्नि। ठीक है, तो ये एक वे है आपको कंपेयर करना हो क्वांटिटीज को, सिमिलर क्वांटिटीज को। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए क्वांटिटीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं है जिनको हमें कंपेयर करना है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि जिन क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं। ओके, देखिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, इसकी भी सेंटीमीटर है, दोनों की हाइट्स को हमने सेंटीमीटर में मेजर किया है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिया है कॉस्ट ऑफ अ कार 2,50,000। ओके, और एक मोटर बाइक का कॉस्ट दिया है 50,000। अब अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने मेथड से जो हम डिफरेंस निकाल रहे थे, तो आपको मिलेगा 2 लैक्स। मतलब कि जो कार है वो मोटर बाइक से 2 लैक्स रुपए ज्यादा है। ओके, उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए ज्यादा है। या फिर आप इसको अगर इस तरह से कंपेयर करें डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड कर दें 2,50,000 को 50,000 से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5/1। ओके, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा टोटली और ये हो जाएगा 5 टाइम्स में, 50,000 × 5 2,50,000, दैट मीन्स 5/1 मिलेगा। ठीक है, सो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो कॉस्ट है मोटर बाइक की, ठीक है, और या कि फिर हम कहें कि जो कॉस्ट है आपकी कार की, दैट इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर करने में, इससे आपको ज्यादा अप्रोक्सीमेट मतलब ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है कंपेरिजन करने में। आप सीधा बोल सकते हैं कि जो कार है उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट 5 टाइम्स मोटर बाइक से ज्यादा है। ठीक है, इससे बेटर है अगर हम ये बोलें कि 2 लाख ज्यादा रुपए लगेंगे आपको कार खरीदने में एज कम्पेयर टू मोटर बाइक। ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर क्या है, हम ये कहें कि जो कार है दैट इज 5 टाइम्स कॉस्ट उसका ज्यादा है कंपैरिजन टू मोटर बाइक। ठीक है, तो ये अगर हम इस तरह से कंपेयर करेंगे डिवाइड करके 5 टाइम्स बोलेंगे, तो इसी को रेशियो बोलते हैं हम, इसी को रेशियो बोलते हैं। ये जो 5/1 है, दिस इज अ रेशियो, वी कैन राइट इट एज 5:1। रेशियो का सिंबल होता है, डबल डॉट्स लगाते हैं, ये आपका लिखा है, ये लिखा है। देखिए, वी कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स वो दूसरी क्वांटिटी पहले क्वांटिटी से बड़ी है। ठीक है, इस तरह से अगर हम मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेशियो। और रेशियो आप लिखते हैं इस फॉर्म में, तो अगर यहां लिखेंगे तो दिस इज 5:1, और वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द कॉस्ट, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कार टू दी मोटर बाइक इज 5:1। ओके, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये रेशियो किसका है, ये रेशियो कार का है विथ रिस्पेक्ट टू मोटर बाइक। ठीक है, उल्टा नहीं कह सकते आप, कार
और फिर मोटर बाइक. सो रेशियो ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ कार टू द मोटर बाइक. ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं. ईशाज वेट, ईशा का वेट दिया है 25 kg एंड हर फादर वेट इज 75 kg. तो आप इसको वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि कितना केजी ज्यादा है, या फिर आप टाइम्स पे भी बोल सकते हैं कितने टाइम्स वो ज्यादा है, कितना गुना वो ज्यादा है. तो आप देखेंगे जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 75/25 तो आपको मिल जाएगा 3/1. इस तरह से अगर हम 75/25 करेंगे सो 25 1s are 25 एंड 25 3s are 75. सो दिस इज 3/1. और आप कह सकते हैं कि जो हाइट है उसके फादर की, दैट इज 3 times द हाइट ऑफ ईशा. ईशा की हाइट से 3 गुना ज्यादा है. ओके, और या फिर आप क्या कह सकते हैं कि 3:1 इसका क्या है, रेशियो है उसकी फादर की हाइट और उस ईशा की हाइट, दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 3:1. ओके, ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल. कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट दी है 10 rupees एंड एक पेंसिल की कॉस्ट दी है 2 rupees. अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि 8 rupees ज्यादा है पेन की कॉस्ट एज कम्पेयर टू पेंसिल. ठीक है, ये अलग भी हो गया कंपेरिजन का. अगर हम रेशियो की फॉर्म में कहें तो आप निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, रेशियो ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द पेंसिल या पेंसिल टू द पेन, दोनों निकाल सकते हैं आप. आपको बस वेट लिखना है कि अगर आप 10/2 निकाल रहे हैं तो ये रेशियो हो जाएगा किसका, पेन का, ऑब्वियस पेन का अपॉन पेंसिल का. ठीक है, और अगर 2/10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा पेंसिल का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू पेन. ठीक है, और ये रेशियो आप देखेंगे 2 1s are 2, 2 5s are 10. सो दिस इज 5:1. और वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 times मोर देन द पेंसिल. ठीक है, इस तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसको आप बोलते हैं रेशियो. इसके बाद बात करते हैं कि जब आप रेशियो निकालते हैं तो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए. तो हमेशा क्वांटिटीज सिमिलर यूनिट्स की होनी चाहिए, सिमिलर यूनिट्स, जिन दोनों क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हैं, जिनका रेशियो निकाल रहे हैं, दैट इज ऑलवेज इन अ सिमिलर यूनिट. ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि आप यहाँ जैसे ये है, किसी का वेट केजी में दिया है, किसी का ग्राम में दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है. दोनों का केजी में हो या दोनों का ग्राम, तब आप जब कंपेयर करेंगे तो रेशियो सेम ही आएगा. अगर आप डिफरेंट है तो आप एक यूनिट में कर लीजिए और फिर उनको कंपेयर करिए, फिर उनका रेशियो निकालिए, तो आपको रेशियो सेम मिलेगा हमेशा. चाहे क्वांटिटी आप अलग अलग चेंज करें, चाहे आप ग्राम में चेंज कर ले दोनों को या दोनों को केजी में. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. इसके बाद देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं. रेशियोज हमने पढ़ लिया, अब इक्विवेलेंट रेशियोज कैसे मिलते हैं. तो जो भी आपको रेशियो दिया है उसको अगर आप सिमिलर नंबर से, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, दैट इज एन इक्विवेलेंट रेशियो. और अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो भी जो आंसर मिलेगा वो भी इक्विवेलेंट रेशियो है. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी, लेकिन सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना जरूरी है, तब आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रेशियो. अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, गिव एनी टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4. 6:4 का इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं. तो सबसे पहला मेथड है कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं. तो आप जानते हैं 6 और 4 ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं. तो आप इस पूरे नंबर को न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 3/2. सो ये जो 3/2 है दैट इज इक्विवेलेंट रेशियो. ओके, और ये सबसे छोटा इक्विवेलेंट रेशियो है. अब इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हैं. कैसे, ये छोटा आ गया 3/2, इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, आपको नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएगा. तो मैं क्या करती हूँ, इस 3/2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपको क्या मिलेगा, 3 3s are 9 एंड 2 3s are 6. तो ये भी आपका एक इक्विवेलेंट रेशियो मिल गया. किसके लिए, 6:4 के लिए. ये आपका क्वेश्चन था 6:4. इसके लिए आपको 2 इक्विवेलेंट रेशियो आपने निकाल लिए, पहला 3/2 एंड सेकेंड इज 9/6.
ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको सिंपल बनाना है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, सिक्स को भी और फोर को भी। तो आप जानते हैं टू है, तो टू से डिवाइड कर दिया, क्या आया थ्री बाई टू। अब थ्री बाई टू को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगा। इस तरह से आप बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी गिवन रेशियो के लिए। ओके, अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दिस इज 14/21। 14/21 किससे डिवाइड हो जाएगा, आप जानते हैं सेवन से हो जाएगा। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे आपको क्या करना है। तो सेवन से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, सेवन टू जा 14, सेवन थ्री जा 21, सो 2/3, 2/3 आपका आ गया। अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 3 है, तो ये 3 इधर ही आएगा और ऊपर आपका क्या आ जाएगा 2, तो ये 2/3 मिल गया पहला। अब दूसरा निकालना है आपको क्या, 2 का 6 बनाना है। अब 2 का 6 कैसे बनेगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, और 3 3 9, तो ये 6/9 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 10/5, इसको सिंपल बनाइए, मतलब 10 और 5 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 की टेबल से। तो 5 से डिवाइड करिए, 5 1 5, 5 2 10, तो आप इधर देख लीजिए कहीं ऐसा कुछ नहीं है, 1 यहाँ पर है तो ऊपर आपको 2 ही लिखना है, ठीक है। तो ये 2/1 आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, देखिए 2/1 सबसे सिंपल फॉर्म आ गया। अब 1 को 3 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 3 से इंटू कर दीजिए, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी को पकड़ के रखिए, इसी से आगे सारे बनेंगे आपके इक्विवेलेंट रेशियोज। अब 1 को आपको क्या, 1 नहीं 2 को देखिए, 2 को 4 बनाना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 2 से करेंगे, 1 × 2 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 4/2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, 4 मीन्स 1 को आपको 4 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, ऊपर करेंगे तो 2 4 8। सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज, लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आपको निकालना है तो पहले उसको सिंपल फॉर्म बना लीजिए। सिंपल मतलब ऐसा फॉर्म जो फिर फर्दर डिवाइड ना हो, और फिर उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे और आप ये फॉर्म कर लेंगे जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है। थैंक यू।